अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्त अहबाब, माओ और बुजुर्गवार, मैं मुतीउर रहमान अजीज दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त तमाम हीरा ग्रुप फैमिली के लिए इस अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ कि आप लोगों को इतला देना चाहता हूँ कि जो 5 तारीख की 5 जनवरी की जो कंप्यूटराइज डेट शो कर रही थी वेबसाइट पर, अब वो फिक्स डेट में तब्दील हो चुकी है। यानी कि 5 जनवरी को 18वां नंबर लगभग 11 से 12 बजे के दरमियान, यानी कि सुबह सवेरे, अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नेक्स्ट हियरिंग का मामला 11 से 12 बजे के दरमियान सुबह सुबह वो सुना जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरमियान में तमाम रिस्पोंडेंट जो है, उन्होंने वक्त को लंबा टालने के लिए, वक्त को लंबा खींचने के लिए, हमारे सब्रो जब्त का मजीद और इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने वक्त पर वक्त मांगा है। हर किसी ने वक्त मांगा है, हर किसी को वक्त दिया जा चुका है। लिहाजा हमारे लिए ये चीज़ बाइस इत्मीनान है कि जितने लोगों को वक्त तलब करना था, अब वक्त वो तलब कर चुके हैं। अब मजीद इस सुनवाई में और ज़्यादा वक्त देने की कोई इस तरह की बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि वक्त दिया जाएगा। रिस्पोंडेंट को कोई भी बहाना उनका अब चलने पाएगा, इस तरह का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा सुना जाएगा। लीगल टीम जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हमेशा से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, वो इस वक्त भी उसी जोश व खरोश के साथ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख की हक और बजानिब होने की वजह से इस बात का दावा अब भी कर रहे हैं जैसा कि पहले कर रहे थे। लेकिन दुश्मनों के खड़े किए गए मकरो फरेब के जाल को थोड़ी देर के लिए लंबा करने का जो उनका नियत है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देखा है। अब इससे ज्यादा उनकी ज्यादा मंशा चलने वाली नहीं है। जितना वक्त दिया जाना था उनको वक्त दिया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 साल से मामला अलग अलग तरीके से जेरे इल्तवा किया गया, कभी कोरोना वबा की वजह से और कभी जानबूझ करके उस वक्त को टाला गया, उस वक्त को लंबा खींचा गया। लिहाजा जितने लोगों को वक्त तलब करना था रिस्पोंडेंट को, उन्होंने वक्त को तलब किया और वो वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया भी उनको। उसके बरक्स अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के तमाम लोगों के मशवरे से इस बात को कम से कम वक्त में खींच करके लाने की जल्द अज जल्द सुनवाई की पूरी कोशिश रही है। उसी कोशिश के तहत 5 जनवरी को इंशाल्लाह ताला अब मजीद और नेक्स्ट जो सुनवाई है वो सुनी जानी तय हुई है। आप लोगों से बदस्तूर जैसे पहले दुआओं की दरख्वास्त की गई, क्योंकि मोमिन का हथियार जो है वो दुआ है। किस्मतों को, मकरो फरेब को और तमाम तरह के दुश्मनों की साजिशी जाल को तोड़ने का अगर कोई हथियार है तो वो दुआ ही है, और दुआ के जरिए ही से हम मसाइब व आलाम से छुटकारा पा सकते हैं। बड़े बड़े दुश्मनों ने मोमिनों की दुआओं की बदौलत ही उनको जेर किया गया है और जेर होते रहे हैं और आइंदा भी जेर होते रहेंगे। लिहाजा ये आजमाइश हम तमाम मुस्लिम मईशत के लोगों को, मुस्लिम मईशत के सूद से पाक तजारत में शिरकत करने वालों के लिए जो आजमाइश आई है, वो आजमाइश मोमिनों के साथ ही, मुसलमानों के साथ ही वो आजमाइश आती है। कहते हैं कि ऊंचे पहाड़ों से धुंध, यानी कि धुंध के बादल जो होते हैं वो, और बहादुरों से और मोमिनों से आजमाइश, ये दोनों चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए नहीं टलती हैं। अगर इंसान बहादुर है तो उसके साथ आजमाइशी कुछ न कुछ मकरो फरेब के जाल हमेशा बुनते रहे हैं। लिहाजा मोमिनीन में से ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके डायरेक्टर्स, उसके तमाम लोग और उसके तमाम इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें शिरकत की है हलाल तजारत के तौर पर और सूद से पाक दुनिया से मुंह मोड़ करके, उन लोगों के साथ ये आजमाइश है। इस आजमाइश के बाद जैसा कि वादा किया गया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि इंशाल्लाह तआला हर आजमाइश के बाद कुशादगी वाली रोजी है और खुशखबरी है, इंशाल्लाह तआला हम समझते हैं कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो लीगल टीम है अपनी, उनके कहने के मुताबिक इस बार फैसला कुन डेट होगा
और इंशाल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत इज़दी से हम लोगों को बहुत बहुत बेहतर खुशखबरी सुनने को नसीब होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।